प्रिय छात्रों, कैसे आप सभी लोग। आइए चलते हैं हम आगे अभ्यास प्रश्नावली 4.3 एनसीईआरटी क्लास 10th मैथ इसके की तीसरे प्रश्न पे आ गए हैं। तीसरा प्रश्न हमारा है 4x² + 4√3x + 3=0। हमको सबसे पहले चेक करना कि इसका अस्तित्व है या नहीं। यहाँ लिखेंगे समीकरण की तुलना ax² + bx + c = 0 से करने पर तुलना करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर तो तुलना करेंगे तो a बराबर 4 आ जाएगा, b बराबर 4√3 और c बराबर हमारा आ जाएगा 3। a बराबर 4, b बराबर 4√3। हाँ तो भाई सबसे पहले निकालेंगे विविध कर। क्या निकालेंगे? विविध कर। d बराबर b² - 4ac। तो बी स्क्वायर यानी 4√3 का स्क्वायर माइनस 4 × a = 4 × c = 3। 4 × 16 √3 का 3 माइनस 4 × 16 48। ये भी चलती है 48 - 48 आ गया 0। 0 आ गया तो लिखेंगे चूंकि b² - 4ac = 0 के बराबर है, अतः मूल कैसे होंगे? वास्तविक व बराबर होंगे। मूल वास्तविक व बराबर होंगे। कुल मिला के मेरा कहना है कि अतः मूलों का अस्तित्व है। तो मूलों का जब अस्तित्व है तो हम इसको लगाएंगे पूर्ण वर्ग विधि से टोटल स्क्वायर मेथड से। तो पूर्ण वर्ग विधि कितनी आसान है, 4x² + 4√3x + 3=0। सबसे पहले तो x² के गुणन जितना लिखा उतने से हम भाग कर देंगे। पूरी समीकरण को 4 था तो 4 से भाग करेंगे, 4 से 4 बचीड़ उड़ गया। x² + √3x + 3/4=0। अब देखेंगे x के गुणन कितना, √3, तो √3 को 2 से भाग करेंगे। ये मेरा अधिकार है, इसको वर्ग करके जोड़ेंगे 2 से भाग करने के बाद। समझ में आया? तो यहाँ पे x का स्क्वायर और बहुत दूर पर यहाँ √3/2 का स्क्वायर जोड़ देंगे, प्लस ये वाला चिन्ह 2a और ये बी √3/2, और प्लस का 3/4 हमारे पास है, और माइनस √3/4 को √3/2 को के वर्ग को घटा देंगे। जितना जोड़ा था उतना ही घटा देंगे। अच्छा तो ये तो फार्मूला हो गया x + √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस 3/4 और माइनस √3 का 3 और 2 × 4 = 0। ये कट गया तो x + √3/2 की पावर घात कितनी, 2 है, यानी इसको हम लिखेंगे 2 बार = 0। ये यहाँ लिखेंगे कि यदि x + √3/2 = 0 तो x = -√3/2। इसी प्रकार इधर भी x + √3/2 = 0 तो x = -√3/2। ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप इसको लाइक करिए, अपने दोस्तों तक शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।